स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है वो है रियल नंबर्स। आप लोग क्लास 8-9 में रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं, मगर इस बार हम इसकी थोड़ी ब्रॉड स्टडी करेंगे। जैसे रियल नंबर में हमारे पास रहते हैं इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये जितने नंबर्स हैं ये सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो इनकी हम लोग स्टडी करेंगे। मेन इस चैप्टर में फोकस रहेगा हमारा, क्वेश्चन बेस जो रहेंगे वो रैशनल और इरेशनल पे बेस रहेंगे। अदर कोई टॉपिक्स भी होंगे इसमें, लेकिन रियल नंबर्स में मेन जो है हमारा रैशनल और इरेशनल की बात आएगी। सेकंड चैप्टर है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल देख चुके हैं, हमने 7th, 8th, 9th में पढ़ा है। लेकिन इस बार जो हम पॉलिनोमियल्स देखेंगे उसमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड चैप्टर जो हमारे पास है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग, आप लोग जानते हो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ओके, एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है, जहाँ पे एक्स और वाई क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, यानी दो लीनियर इक्वेशन होगी। इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी होंगे। जो हमारे पास फोर्थ चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वैसे सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थर्ड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में रहती है। लीनियर में वेरिएबल की पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सिंपल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू के लिए, यानी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर है मैक्सिमम पावर, यानी उसके दो वैल्यूज निकलेंगे। एक्स की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, दो वैल्यूज निकलेंगी। फिफ्थ चैप्टर जो हमारे पास है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक सीरीज़ के को स्टडी करेंगे। सीरीज़ कैसी होगी वो आपको जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली एडिशन ऑफ नंबर्स होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को वो फॉलो करता है। उसमें हम फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू या मिडिल वैल्यू निकालते हैं, या सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ट्रायंगल्स आप लोगों ने जैसे क्लास 9th में कॉन्ग्रेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, इस चैप्टर में अभी ट्रायंगल्स में आप देखोगे अब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। समाउ दोनों रिलेटेड, थोड़ा बहुत रिलेटेड हैं ट्रायंगल्स प्रीवियस 9th क्लास और 10th क्लास में, लेकिन अभी आप सिमिलरिटी देखोगे इसमें। इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, समझ में थोड़ा कम आता है। तो जब हम इस चैप्टर पर आएंगे तो अच्छी तरह से स्टडी करेंगे इसकी। क्लास 10th का जो 7th चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन इस बार जो है आप इक्वेशन के फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखोगे। प्लस जैसे हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस रहती है, तो उसमें रेशियोज़ कैसे डिवाइड होते हैं उसको हम इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की बात होगी, मेन कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइन का और ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के एरिया के कॉन्सेप्ट की भी बात आएगी, और स्ट्रेट लाइन के हम उसको स्टडी करेंगे। 8th चैप्टर जो है हमारा, 8 और 9th चैप्टर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हम उसको डील करेंगे। मतलब एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसके हम स्टडी करेंगे, उसकी साइड्स की स्टडी करेंगे, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टडी करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा उसको स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद का चैप्टर है, इसी का 90% कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इसमें। एंगल के रिस्पेक्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। 10th चैप्टर जो है हमारे पास वो है सर्कल्स। सर्कल्स आप लोग पढ़ चुके हो, इस बार थोड़ा सा और इसको स्टडी करोगे सर्कल्स में, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस में, कंस्ट्रक्शन भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था, इधर भी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन बहुत डिफरेंट है क्लास 9 के कंस्ट्रक्शन है। क्लास 9 का कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा, ओके। यहाँ पर बेसिकली टेंजेंट्स की बात चलेगी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ
कंस्ट्रक्शन में हम लोग ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शंस को भी देखेंगे, प्लस सर्कल पे टेंजेंट जो बनेगा उसकी भी स्टडी करेंगे। चैप्टर 12 जो है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू क्या है, सर्कल्स हैं। अब सर्कल्स की स्टडी करने के बाद हम सर्कल्स के एरिया निकालेंगे, जिसमें हमारे पास माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कुछ क्लास 9 का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। क्लास 10 का जो 13 चैप्टर है वो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स आप पढ़ चुके हो क्लास 9 में, उसी का बहुत कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा, फॉर्मूले वही होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के होंगे। स्टैटिस्टिक्स भी आप पढ़ चुके हो, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ चुके हो, फिर से हम इसको पढ़ेंगे, इसकी ब्रॉड स्टडी करेंगे इस बार। ओके, तो ये हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, इनकी हम स्टडी करेंगे। तो ये मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर्स के लिए। बिफोर क्लास 10th की स्टडी करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 9 का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो, क्लास 9 का एक बार रिवीजन कर लो, तो उससे क्या होगा, आपको क्लास 10th में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजीनेस फील होगी और आप समझ पाओगे जो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है।